खंडवा लोकसभा में भाजपा की ओर से प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के नाम की अधिकृत घोषणा हो चुकी है। जहां एक ओर कांग्रेस नया चेहरा लोकसभा में उतार रही है, तो वहीं भाजपा की ओर से स्वर्गीय नंदकुमार सिंह चौहान के करीबी माने जाने वाले और खंडवा बुरहानपुर जिले के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे ज्ञानेश्वर पाटिल पर भाजपा ने दाव खेला है। जहां कांग्रेस ने ओबीसी को दरकिनार किया है, तो वहीं भाजपा ने ओबीसी चेहरे को टिकट देकर ओबीसी को अपने पक्ष में करने का कार्य किया है। ज्ञानेश्वर पाटिल माँ इच्छा देवी माता के दर्शन कर नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए खंडवा के लिए रवाना होंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये मोदी जी का मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र पर चलने का हर संभव प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा और हमारे स्वर्गीय नेता, जो कि मैं हमेशा कहता था कि वो मेरे मार्गदर्शक, मैं लगभग 32 साल से उनके साथ में जुड़ा था। मेरी जब राजनीति की शुरुआत हुई, मैं राजनीति में मुझे लाने वाले स्वर्गीय नेता तारवाला जी थे। तारवाला जी और नंदू भैया एक ही टीम में काम करते थे। उनके साथ में जुड़ने का अवसर मुझे भी मिला और 1992 से नंदू भैया के जो 93 का जो चुनाव हुआ, उस 93 के चुनाव से मेरी एक सक्रिय भूमिका रही और उन्होंने इस लोकसभा क्षेत्र में बहुत कुछ किया है। उन्होंने बहुत सपने देखे हैं, उनके सपनों को साकार करने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। उनके द्वारा जो अधूरे कार्य रहे हैं, उन अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। चाहे वो इंदौर से इच्छापुर रोड को पूर्ण करने का काम हो, चाहे उनको इंदौर से लेकर तो अकोला की रेल ब्रॉडगेज का काम हो, चाहे यहाँ पर कृषि आधारित तो उद्योगों को बढ़ावा देने का हो, या बुरहानपुर में ताप्ती मेगा रिचार्ज का काम हो, उनके द्वारा जो भी अधूरे कार्य रहे हैं, उन कार्यों को पूरा करने का काम मैं करूँगा। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकसभा क्षेत्र के, चाहे हमारे खंडवा के विधायक देवेंद्र वर्मा जी हो, चाहे हमारे मानधाता के नारायण पटेल जी हो, चाहे हमारे पहाड़ सिंह जी बागली के विधायक हो, चाहे हमारे राम दांगोरे जी पंथाना के विधायक हो, भिकनगांव और बड़वा में हमारे विधायक नहीं है, लेकिन वहाँ के हमारे जो जनप्रतिनिधि और जो हमारे संगठन के पदाधिकारी है, और बुरहानपुर के हमारे जो हमारे नेता अर्चना चिटनीस जी है, और हमारे नेपानगर की सुमित्रा कार्डेकर जी, हम सब लोग मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और जो भी हमारे नंदू भैया के अधूरे काम हैं, उन कार्यों को पूरा करते हुए कृषि आधारित उद्योगों को भी हम किस तरह से यहाँ पर बढ़ावा दे सकते हैं, प्रदेश की सरकार से जहाँ जहाँ आवश्यक होगा उनको उनके द्वारा पूरा करेंगे, और जो केंद्र सरकार के मोदी जी के सरकार के द्वारा कार्य होंगे, उनके माध्यम से उनसे फंडिंग करके हम यहाँ पर लोगों को रोजगार देने का भी काम करेंगे और किसानों को मजबूत हो उसके लिए भी काम करेंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को, हमारे राष्ट्रीय नेता अमित शाह जी को, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, और हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भाई हमारे बीडी शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप जैसे नेतृत्व ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर जो विश्वास किया है, उस कार्यकर्ता का जो मेरा कर्तव्य है, उस कर्तव्य को मैं पूरा करते हुए उन्होंने जो मुझ पर विश्वास किया है, उस विश्वास पर खरा उतरने का मेरी तरफ से भरपूर प्रयास करूँगा और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ और हमारे नेताओं के साथ मिलकर जो भी यहाँ के जो कार्य है, उन कार्यों को पूरा करने काम करूँगा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए खंडवा से ब्यूरो रिपोर्ट।